सिसई थाना पुलिस ने ई कॉम एक्सप्रेस कंपनी के कुरियर बॉयज धनेश्वर राज के साथ लूट करने के आरोपी भंडरा थाना क्षेत्र के धनमुंजी गांव निवासी अताउल खान को गिरफ्तार कर शनिवार को गुमला जेल भेज दिया। एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल ने पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 16 अप्रैल 2022 को सिसई थाना क्षेत्र के छरदा से डरहा जाने वाली पक्की सड़क लंगटा पाबिया के पास कोरियर बॉय को पकड़कर मारपीट करते हुए उसके मोटरसाइकिल, मोबाइल, 16,000 और सामान की लूट कर ली गई थी। इसी की धरपकड़ के लिए पुलिस के द्वारा छापामारी की टीम गठन की गई है, जिसका नेतृत्व एसडीपीओ मनीष चंद्रलाल, थाना प्रभारी अनिल लिंडक कर रहे थे। इसी क्रम में अताउल खान को उसके घर से गिरफ्तार कर गुमला जेल भेज दिया गया। वो लंगटा पव्या के पास तीन अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा ई कॉम एक्सप्रेस कंपनी के डिलीवरी बॉय को मारपीट कर हत्या का भय दिखाकर उसकी मोटरसाइकिल और डिलीवरी का मोबाइल और 16,000 रुपया लूट लिए थे, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी अनिल इंडा, सब इंस्पेक्टर इंद्रजीत कुमार, सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार, सब इंस्पेक्टर हेमराज कुमार का एक टीम बनाया गया, जिसमें ये सभी पहलुओं पर अनुसंधान करते हुए दिनांक आज ही सुबह में इस कांड के एक अपराधी को इस कांड में लूटे हुए नए मोबाइल के साथ, उसका नाम अताउल खान है जो भंडार रहने वाला है, गिरफ्तार किया गया। उसने बताया कि इस कांड में वो तीन व्यक्ति के साथ मिलकर घटना किए थे, जिसमें दूसरा अभियुक्त साहेब खान उर्फ अब्बास जो आज से कुछ दिन पहले हजारीबाग में वो मोबाइल लूट कांड में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, और तीसरा अभियुक्त का नाम पता नहीं चल पाया है। अगर उसको पता करने पर उसको पता किया जा रहा है, पता होने पर जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस कांड में लूटे गए मोटरसाइकिल और घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल केरेडाई थाना हजारीबाग में उसको पकड़कर बरामद रखा गया है। गिरफ्तार हुए हैं इस कांड में ये संलिप्त थे, जो अपने अपराध को स्वीकार किए, इसका नाम अताउल्ला खां है और ये रहने वाले भंडरा का है। उसको इस कांड में लूटे हुए नए मोबाइल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।